गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चाट पापड़ी की रेसिपी, जिसके लिए पहले हम बनाते हैं पापड़ी। पापड़ी पापड़ी के लिए हमने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा, जिसे हम लगाएंगे सादा पानी से, ना गर्म ना ठंडा। डो हम लोगों को टाइट लगाना है, सूखे आटे का प्रयोग नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने आटा लगा लिया है। आटा इतना टाइट है, उंगली भी टाइट से इसमें उंगली दबाव देके पड़ रही है। देखिए उंगली हम दबा रहे हैं, तो उंगली बहुत टाइट लगाना है, मतलब अच्छे से टाइट हो। सूखे आटे का प्रयोग ना करें। ये देखिए पानी हमने 1 गिलास लिया था, 1 गिलास में थोड़ा पानी लगा है, देख सकते हैं दोस्तों। ये हमने यहाँ पर रोटियों की तरह ये पापड़ी बेलनी है। ये देखिए रोटी कहिए, पापड़ कहिए या पापड़ी कहिए, वैसे तो हम चाट पापड़ी बनाने जा रहे हैं इससे। तो इनको क्या करेंगे, हम लोगों ने इतनी, देखिए इतनी थिकनेस है इसकी, इतना पतला बेल लेना है, ठीक है। बेलने के बाद इसको क्या करना है, हम लोगों को धूप में या पंखे की हवा में सुखा लेना है। ये जब सूख जाए बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे सूखेंगे, कितना मतलब सूखना इनको सुखाना है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इधर देखिए पापड़ हमारे सूख के तैयार है। ये देखिए चाट पापड़ी के लिए पापड़ी हमारी तैयार है। ये देखिए इसको हमने थोड़ी देर धूप में सुखाया, फिर मैंने पंखे की हवा में रख दिया था, इसलिए ये देखिए पूरी तरह से सूख गई है। इधर ले लिया है हमने ऑयल कढ़ाई में। अब जैसे पापड़ हम तलते हैं, इस तरह से इसको तल लेंगे, ऑयल हमारा हॉट हो जाए। अभी अच्छे से गर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और गर्म हो जाए, उसके बाद देखिए, ये देखिए ये हमारी पापड़ी तैयार है तल के, टेस्टी, कुरकुरी कुरकुरी। बस इसको थोड़ी धीमी आंच पे, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना कि जाके जल जाए, जले ना ये। इधर देखिए ये हमारी पापड़ी तैयार है, हमने तेल में फ्राई कर ली सारी। खाली तेल में फ्राई किए, बाकी धूप में जब सुखाई है, आटा जब हमने गूंदा था ना, तो तेल डाला ना घी डाला, देखिए कितनी क्रिस्पी है, आवाज सुन सकते हैं आप लोग। इधर ले लिया है आलू, हरी मिर्चा ले लिया हमने, इधर प्याज चाट के लिए, और ये टमाटर है। इधर ले ली है चटनी, और ये हमारा चाट मसाला। इधर ले लिया है दही भी, दही हमने फेंट लिया है, दही को मीठा नहीं करना है, दही थोड़ा सा जो चीनी डाल के हम लोग चाट में करते हैं वैसा नहीं करना है, इसमें ऐसे ही दही अच्छा लगता है। बाकी हम लगा के आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से खाना है इसको। इधर देखिए हमने लगा ली है, एक पापड़ी ले ली, उस पर आलू डाल दिया है, प्याज टमाटर हरी मिर्च, आप लोगों को जैसा पसंद हो। ये हरी धनिया की चटनी, मीठी चटनी पसंद करना चाहे तो मीठी लगा लीजिए, लेकिन इसमें हरी धनिया की चटनी ही अच्छी लगती है। पुदीना और धनिया की चटनी मैंने पीस ली थी, जिस तरह से पीसते हैं। अगर आपको चाट मसाले की, अगर आप लोगों को चाट मसाले की, जो मैंने चाट पापड़ी के लिए मसाला जो बनाया था, इसकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं इसकी वीडियो अलग से बना के डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें मैंने क्या क्या, कौन कौन से मसाले डाले हैं और कैसे मैंने इसको बनाया है। ये देखिए मैंने लगा के दिखा दिया आप लोगों को, इस तरह से लगाना है इसको, आप लोग तोड़ के भी लगा सकते हैं। दही खाना चाहे, दही पसंद हो तो दही लगा दीजिए। डालेंगे मसाला, लीजिए दोस्तों इस तरह से खाइए इसको। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे नीचे दी गई बेल आइकन